Hello my dear students, today we are going to begin our next book, Footprints Without Feet. And guys, this is our first lesson of this book, A Triumph of Surgery. Triumph means victory, यानी कि जीत, and surgery means operation. अब कैसा operation है जिसकी जीत होती है? It is quite interesting to know. जब हम इस lesson को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत interesting lesson है. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा फन है, बहुत सारा ह्यूमर है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं आप इस लेसन को. एंड दिस लेसन इज़ रिटन बाय जेम्स हैरियट. आप यहाँ पे देख सकते हैं जेम्स हैरियट को. ही वॉज ए ब्रिटिश वेटिनरी सर्जन. ये ब्रिटिश वेटिनरी मीन्स एनिमल्स के डॉक्टर हैं बेटे, ये सर्जन हैं, राइटर भी हैं साथ साथ में. Who used his many years of experiences as a veterinary surgeon to write a series of books, each consisting of stories about animals and their owners. तो बेटे बहुत सालों का इनका experiences, तजुर्बा है इनका अपनी life का as a veterinary surgeon, यानी कि animals के surgeon, doctor के रूप में. और ये लिखते हैं क्या, a series of book, एक sequence है इनके books का जिसमें काफ़ी सारी कहानियाँ हैं. किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में और देयर ऑनर्स, उनके मालिकों के बारे में. वेल, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर देयर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स. तो इनके जो वर्क्स हैं वो कैसे हैं? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल हैं, यानी कि काफ़ी इंसिडेंट, काफ़ी इवेंट्स जो हैं इनकी स्टोरीज़ में, इनकी लाइफ से रिलेटेड है, इनके खुद के एक्सपीरियंसिस से रिलेटेड है, इसलिए क्या है, ये ऑटोबायोग्राफिकल हैं. और बिगनिंग विद, कब से ये बिगिन करते हैं? इफ़ ओनली दे कुड टॉक इन 1970. इफ़ ओनली दे कुड टॉक, ये इनका टाइटल है जिस बुक से ये फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं अपनी स्टोरीज को. काश कि वो बात कर पाते. कौन? एनिमल्स. तो ये इनका 1970 में जो है ये एडिशन जो है वो पब्लिश हुआ. विच स्पॉन अ सीरीज ऑफ मूवीज एंड टेलीविजन सीरीज. तो जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनती हैं इनकी, इन बुक्स, इस बुक पे, और टेलीविज़न सीरीज़ भी बनते हैं. तो यस, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो. आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं क्या है, राइटर के हैंड में अभी भी क्या है, एक डॉग है. इसका मतलब क्या है कि राइटर केवल सर्जन ही नहीं है एनिमल्स के, वो एनिमल्स लवर भी हैं, उनको एनिमल्स से बहुत प्यार है. तो ये जो लेसन है बेटे, I bet you are going to enjoy it a lot. See here the introduction. Tricky, a small dog. यहाँ पे Tricky एक dog का, एक small छोटे से कुत्ते का नाम है. And is pampered and overfed by his rich mistress. अब इसकी जो mistress हैं, इसकी जो मालकिन है, वो कौन है? काफ़ी rich lady हैं. और is pampered means he is so much loved. उसको बहुत प्यार किया जाता है. एंड ओवरफेड यानी कि ज़्यादा खिलाया जाता है उसको. फीड करना, खिलाना, और फीड फेड यानी कि पास्ट फॉर्म हो गई. ओवरफेड, ओवर ज़्यादा खिलाना, एक्स्ट्रा खिलाया जाता है इस इनकी मालकिन के द्वारा. और ही फॉल सीरियसली इल. जब ओवर ईटिंग होती है तो भी क्या हो जाते हैं, इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं. तो डेफिनेटली वो बीमार हो गया. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटरनरी सर्जन. अब इसकी मिस्ट्रेस जो है वो एक एनिमल्स के डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन. अब क्वेश्चन ये है हमारे लिए कि क्या वो सर्जन इस डॉग का ऑपरेशन करते हैं? डज द डॉग रिकवर. क्या वाकई में वो डॉग रिकवर हो पाता है? तो बेटे ये दोनों क्वेश्चन हमने सर्च करने हैं, राइट? रीड एंड फाइंड आउट. यस, थ्री मोर क्वेश्चंस आर हियर. ये भी हमने क्या करने हैं, वी हैव टू फाइंड आउट दीज क्वेश्चंस आल्सो. सी हियर, व्हाई इज मिसिस पम्फ्रे वरीड अबाउट Tricky. मिसिस पम्फ्रे Tricky के बारे में चिंतित क्यों हैं? वन क्वेश्चन. तो यहाँ जो मिस्ट्रेस हैं उनका नाम क्या है? मिसिस पम्फ्रे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम. वो क्या करती हैं उसको मदद करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, यानी कि पपी की, अपने पेट की, अपने डॉग की. इज शी वाइज इन दिस. क्या वो वाइजली डिसीजन लेती हैं, इंटेलिजेंटली डिसीजन लेती हैं? हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी. अब यहाँ जो ये स्टोरी बिगिन होगी, तो यहाँ जो आई
है वो किसकी तरफ रेफर करता है, किसकी तरफ क्या करता है, इंडिकेट करता है, इशारा करता है, यानी कि आई कौन है इस कहानी में। वेल गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन आवर स्टोरी। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई मीन्स नैरेटर, यानी कि जो कहानी को नैरेट करता है, उसको बताता है, उसका वर्णन करता है, डैट इज़ कॉल्ड नैरेटर। तो आई कौन है यहाँ पे? नैरेटर है, यानी कि राइटर खुद है। तो वो क्या कहते हैं, आई वॉज रियली वरीड, मैं काफ़ी वरीड था, चिंतित था अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में दिस टाइम, इस बार, यानी कि ये जो पेट है ट्रिकी, इसके बारे में राइटर बहुत चिंतित थे इस बार। आई हैड पुल्ड अप माई कार वेन आई सो हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपियरेंस। क्या कहते हैं, आई हैड पुल्ड अप माई कार, पुल्ड अप यानी कि फोर्सफुली जो है अपनी कार को वहाँ तक, उस मिस्ट्रेस तक जो है, लेडी तक लेके जाते हैं। आई सो हिम इन द स्ट्रीट, अब उस पपी तक लेके जाते हैं, तो वो पपी जो है गली में अपनी मिस्ट्रेस के साथ था। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपियरेंस, उसको देख के, उसकी अपियरेंस को, यानी कि वो कैसा नज़र आ रहा था वो पपी, उसको देख के हैरान हो जाते हैं राइटर। क्यों? ही हैड बिकेम ह्यूजली फैट। अब वो बहुत ज़्यादा, ह्यूजली क्या होता है, एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा फैट हो चुका, बहुत मोटा हो चुका है, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। ब्लॉटेड क्या होता है, स्वॉलन, सूजा हुआ मानो, और सॉसेज क्या होता है बेटे, ये एक सिलेंडर फॉर्म में क्या होता है, एक मांस का पीस होता है। यस, आई एम गोना शो यू हियर इन द इमेज, ये देखिए आप इमेज में। यस, ये आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। यस, इट इज़ कॉल्ड सॉसेज। और ये जो डॉगी था, ये पपी, ये देखिए आप इसकी कंडीशन, देखिए यहाँ पे आप, ये ऑलमोस्ट जो है वैसी इमेज है, ये ब्लॉटेड सॉसेज, सॉसेज जो है यहाँ पे, और क्या है, यस, विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। ये डॉग है तो ऐसा लगता है मानो ये सॉसेज है, ये मांस का एक टुकड़ा है, हैवी, बहुत भारी, और उसकी हर एक कॉर्नर पे वन वन जो है वो लेग है मान केवल। तो इस तरीके की पोजीशन जो है वो किसकी हो चुकी है, इस पपी की, यानी कि इस पेट की, इस डॉगी की हो चुकी है। वेल गाइस, सी फर्दर। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और उसकी टंग जो है वो क्या है, लॉल्ड, आप इसमें इमेज में देख सकते हैं बेटे यहाँ पे। तो वो टंग जो है वो कैसी है, बाहर, जब डॉगी जो है वो बहुत खा के हैरान, वो परेशान हो जाते हैं, ये देखिए इसको हम क्या कहते हैं, लॉल्ड, इस तरीके से टंग निकालते हैं, हाँफते हैं, तो वो किस पोजिशन में होते हैं, लॉल्ड पोजिशन में होते हैं। वेल, बहुत कुछ खा के लेजी हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ज़रा से भी एक्टिव नहीं होते, तो वो इस पोजीशन में पड़े हुए होते हैं एनिमल्स। वेल, मिसिस पॉम्फ्रे हेशन टू एक्सप्लेन। अब मिसिस पॉम्फ्रे जो है जल्दी, तुरंत, हेशन क्या होता है, बहुत ही हेस्टली, बहुत ही जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करती हैं। ही वॉज सो लिस्टलेस, मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट ये बहुत ही लिस्टलेस, यानी कि लेजी हो चुका है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ एनर्जी नहीं बची हुई। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। वाह, ओवरफीड हो चुका है ये डॉगी, ओवरफेड किया जा रहा है, ओवरफीड किया जा रहा है इसको, लेकिन क्या कह रही है मिसिस पम्फ्रे, क्या आई थॉट, मुझे लगता है ही मस्ट बी सफरिंग, वो पक्का पीड़ित है किसी से, मेल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से, मीन्स इसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, उसको उसको बैलेंस डाइट जो है वो नहीं मिल रही है, वो प्रॉपर नहीं खा रहा है, ये कहना चाह रही हैं। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो क्या कर रही हैं वो, कहते हैं मैं कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ उसको खाने के बीच बीच में, ताकि वो जो है क्या हो जाए, बिल्डअप, यानी कि वो थोड़ी सी उसकी सेहत जो हो वो मेनटेन हो जाए। सम मॉल्ट, थोड़ा सा मॉल्ट देती हूँ इसको, एंड कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल भी देती हूँ। मॉल्ट क्या होता है बेटे, स्प्राउटेड ग्रेन को कहते हैं, यानी कि अंकुरित ग्रेन को कहते हैं। और कोड लीवर ऑयल, कोड एक फिश होती है, उसके लीवर का ऑयल आता है, काफ़ी कॉस्टली होता है, वो ऑयल देती हैं। एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और हॉर्लिक्स की एक बॉल पूरी, यानी कि एक कटोरी भर के देती हैं। गाइस, इट इज़ नॉट कॉल्ड एज, इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड एज बाउल, बाउल नहीं होता बेटे, इसको हम बॉल प्रोनाउंस करते हैं।
एट नाइट, रात को, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो अच्छे से सो पाए. नथिंग मच रियली, कहते और इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं दे रही. देखिए आप डाइट्स, आपने देखिए यहाँ पर इतनी हैवी डाइट जो है वो दी जा रही है. यहाँ इमेज में देखिए बेटे, इसको हम माल्ट कहते हैं, स्प्राउटेड, ये जो ग्रेन है. यहाँ पे आप पल्सिस देख रहे हैं जो कि स्प्राउटेड है, अंकुरित है. यहाँ पे आप ग्रेन को देख रहे हैं, गेहूं को देख रहे हैं. तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं. तो इतना हेल्दी खाना इनको दे रही है. ये आपकी क्या है, कोड, ये फिश है. और ये फिश जो है, ये इसका, ये कोड के लीवर का क्या बनता है, ऑयल बनता है. ये बहुत कॉस्टली होता है. तो ये इस तरीके की डाइट जो है क्या कर रही है, उसको पपी को, उसके अपने पेट को दे रही है. उसके बावजूद भी क्या फील कर रही है कि वो मैल न्यूट्रिटेड है, यानी कि उसको प्रॉपर डाइट जो है वो नहीं मिल रही, इसलिए एक्स्ट्रा भी उसको दे रही है खाना. और जिसकी वजह से उस डॉगी की कंडीशन जो है वो कैसी हो चुकी है, हियर यू कैन सी इन द इमेज. वेल गाइस, सी फर्दर. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? अब डॉक्टर जो है वो क्या पूछते हैं कि क्या तुमने मीठी चीज़ों को बंद किया, जैसा कि मैंने कहा था, उनको कम किया, कट डाउन किया? ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. लेकिन ये इतना वीक हो गया कि मुझे रिलेंट, आई हैड टू रिलेंट, रिलेंट करना पड़ा, यानी कि स्टॉप करना पड़ा. यानी कि आई कुडंट बी सो हार्ड टूवर्ड्स हिम, इतनी हार्ड में नहीं हो सकती थी अपने डॉगी के प्रति. तो इसलिए क्या किया, क्या कहती है मिसेस वम्फ्रे, कि उन्होंने उसकी स्वीट्स को कट तो किया था, लेकिन उसके बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाई. क्यों? क्योंकि डॉगी जो है, वो पपी जो है, क्या हो गया, वीक हो गया. वेल ही डज लव क्रीम केक्स, और उसको क्रीम केक्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो बहुत लव करता है उनको. चॉकलेट्स सो, और चॉकलेट्स को भी बहुत प्यार करता है. आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो मैं इस चीज़ को टॉलरेट ही नहीं कर पाती कि मैं उसको मना करूँ ये चीज़ें ना दूँ. आई लुक डाउन अगैन एट द लिटिल डॉग, डॉक्टर कहते हैं कि मैंने फिर से उस लिटिल डॉग को देखा. एंड डैट वॉज द ट्रबल, कहते यही तो प्रॉब्लम है इसकी सारी, कि उसको जो है क्या किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा खाना दिया जा रहा है. वेल ट्रिक इज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, लेकिन ट्रिकी का केवल अकेला फॉल्ट क्या है, कि वो बहुत लालची है. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो ना तो कभी कहता ही नहीं. वट एवर बीन सर्व टू हिम ही जस्ट एट, वो जो कुछ भी उसको सर्व किया जाता है वो क्या कर लेता था, उसको खा जाता था. और ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे एट और नाइट, दिन में या रात को, किसी भी तरीके का, कितना ही मील, कितना ही खाना उसको दे दो, वो सबको टैकल, सबको हैंडल कर लेता, यानी कि सबको क्या कर जाता, खा जाता. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फ्री हैडन्ट मेंशन, और मुझे हैरानी तो इस बात की है कि वो मेरे सामने सारी बातें रिवील नहीं कर रही थी. मिसिस पम्फ्रे जो उसने नहीं मेंशन की, नहीं बताई, इसके अलावा भी कुछ और देते होंगे उसको डेफिनेटली खाने के लिए. वेल आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब डॉक्टर क्या पूछते हैं कि आप इसको बहुत सारी एक्सरसाइज भी दे रही हैं, एक्सरसाइज करवा रही हैं. वेल ही हैज़ हिज लिटल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, हाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे साथ ये हल्की फुल्की वॉक तो कर ही लेता है. बट हॉस्किन द गार्डनर, लेकिन जो गार्डनर है हॉस्किन, हैज़ बिन डाउन विथ लम्बागो, उनको लम्बागो है, यानी कि लोअर बैक पेन को कहते हैं बेटे लम्बागो. तो उनकी बैक में जो है, निचले हिस्से में पेन चल रहा है. सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो यानी कि रिंग थ्रोइंग, रिंग फेंक के जो खेलते थे ये इनके, इसके साथ, डोगी के साथ, इनके जो गार्डनर थे, माली जो थे, कहते वो नहीं हो पा रहा है बस. वेल गाइस, यू कैन सी हियर इन द इमेज, आपको ये रिंग्स जो है यहाँ नीचे दिखाई दे रही हैं बेटे इसमें, इमेज में. तो क्या होता है कि ये रिंग फेंकी जाती होंगी, कई बार क्या होता है कि पेट्स जो हैं इन रिंग के बीच में से निकलते हैं, तो उसको रिंग थ्रोइंग गेम जो है वो कॉल किया जाता है. वेल सी फर्दर. नाउ डॉक्टर सेट, आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मैंने काफ़ी कोशिश की मैं थोड़ा हार्ड होके बात करूँ, बट आई रियली मीन दिस, नाउ आई रियली मीन दिस. क्या कहते हैं फिर डॉक्टर साहब, यस, वास्तव में अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत सीरियसली लीजिए आप. इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. यदि आप इसकी मिठाइयों को, इसके फूड को, इसके खाने को कट डाउन नहीं करती अभी,
अभी के अभी और इसको एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कराते हैं तो ये श्योर है कि वो बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने हार्ट को थोड़ा सा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, थोड़ा सा सख्त करना पड़ेगा और उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट जो है वो फॉलो करानी पड़ेगी। मिसेस वम्फ्रे रंग हर हैंड्स। मिसेस वम्फ्रे जो है जैसे अपने हाथों को मानो निचोड़ते हुए यानी कि मलते हुए, ओ आई विल, हाँ मैं डेफिनेटली करूँगी। मिस्टर हैरियट आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है कि आप बिल्कुल सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। गाइस देखिए वाकई में ये फ़नी है। सी सेट ऑफ और वो वहाँ से चली जाती है हेड डाउन, अपने हेड को नीचे करके, अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ, एज इफ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रेजीम इन टू प्रैक्टिस इमिडिएटली। और ऐसा प्रतीत होता है मानो वो डिटरमिन्ड होके गई है, दृढ़ निश्चय लेके वहाँ पे गई है कि अब जो है वो एक न्यू रेजीम यानी कि न्यू लॉज, न्यू नए कानून जो हैं वो क्या करने वाली है, एक नया मैनेजमेंट जो है वो प्रैक्टिस में लेके आने वाली हैं। घर जाते ही वो वाकई में जो है काफ़ी कट करेंगी इसका, पेट का खाना अपने का। वेल सी फर्दर, आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। कहते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि मैंने प्रोग्रेस उसको ग्रोइंग कंसर्न, वो जो लगातार बढ़ती जा रही थी वो चिंता, उसको मैं लगातार क्या कर रहा था, वॉच कर रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटल ट्वीट कॉट। आप ट्रिकी जो है वो टॉटरिंग मीन्स मूव करना, लाइटली मूव करना, तो वो क्या कर रहा था अपने लिटिल ट्विड कॉट में इधर उधर मूव कर रहा था। तो बेटे यहाँ इमेजेस में देखिए ये ट्विड कॉट होता है, ये जो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो पपी ने पहना हुआ, ये डॉग ने पहना हुआ है, और यहाँ इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, तो दीज आर कॉल्ड ट्विड कॉट्स, ट्विड कॉट पहने हुए हैं इन्होंने। यस सी फर्दर, ही हैड अ होल वार्ड्रोब ऑफ दीज कॉट्स। अब मिसिस पम्फ्रे के पास पूरा वार्ड्रोब यानी कि पूरे अलमीरा इसके क्या शेल्फ जो हो वो फिल्ड हैं, भरे हुए हैं किसी इस तरीके के कोट से, एंड फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। कोल्ड वेदर के लिए अलग कोट हैं और रेन कोट अलग से है, वेट डेज के लिए जब बारिश का मौसम होता है उसके लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हीज हार्नेस, और उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, डॉग को इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ड्रूपिंग के लिए। ड्रूपिंग मीन्स उसको एक्सक्रीशन के लिए या फिर आप ये कहिए डंग के लिए, यानी कि उसको अपने आप को पोटी करने के लिए, यानी कि इतना ज़्यादा क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है इन हिज हार्नेस। हार्नेस जो रस्सी से वो बांधा हुआ होता है उसमें। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्रे। आई थॉट मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबे समय नहीं हुआ है जब मैंने मिसिस पम्फ्रे से इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में सारा सुना है, डिस्कस किया है। वेल द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा था वैसा ही हुआ, वो जो कॉल थी वो एक्सपेक्टेड थी और कुछ दिन के बाद वो आती है। मिसिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्राउट। अब मिसिस पम्फ्रे जो है वो बिल्कुल बुरी तरीके से क्या होती हैं, पस्त होती हैं यानी कि वो परेशान होती हैं। एंड ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्यों, क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, अब उसने फेवरेट उसकी जो फेवरेट डिशेज थी उनको भी खाना बंद कर दिया था, मना कर दिया था। एंड बिसाइड्स इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसको लगातार जो है बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही थी। एंड ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग, वो कंप्लीट टाइम का कहाँ लेटा रहता था, अपने मैट के ऊपर पेंटिंग हाफते हुए, बहुत ही एक तरीके से हार्डली सांस लेते हुए। डिंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और क्या बता रही है वो फ़ोन पे कि वो वॉक पे भी नहीं जाना चाहता। डिडंट वॉन्ट टू गो एनी थिंग, वॉन्ट टू डू एनी थिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले से ही अपने प्लान बना रखे थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, केवल एक ही तरीका था ट्रिकी को बचाने का कि उसको कुछ समय के लिए उस घर से बाहर निकालना पड़ता। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो इन्होंने suggest किया कि उसको hospitalize करना पड़ेगा ताकि उसको 15 days के लिए observation के अंदर रखा जाए। And the poor lady almost swooned. ये सुन के वो बेचारी लेडी जो है क्या हो जाती है, almost swooned यानी कि faint हो जाती हैं, लगभग चक्कर आने को हो जाते हैं उसको। And she was sure he would pine.
अब वो श्योर थी कि वो भी क्या करेगा पाइन, यानी कि उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा अपनी मिस्ट्रेस के लिए, एंड डाई और मर जाएगा उसके बिना, इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वो उसको हर दिन जो है नहीं देखेगा अपनी मिस्ट्रेस को। वेल बट आई टुक अ फॉर्म लाइन, लेकिन मैंने एक फॉर्म लाइन खींची, एंड ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी वाकई में बहुत इल था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक वे था उसको सेव करने का, बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने क्या सोचा कि इसको जो है बिना देर के क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, एंड फॉलोड बाय मिसिस पम्फ्रेज वेलिंग, और मैंने उसको फॉलो किया, यानी कि मैंने तुरंत डिसीजन लिया। हालांकि मिसिस पम्फ्रे क्या कर रही थी, वेलिंग कर रही थी, क्राई कर रही थी, बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी। वेल आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, मैंने एक अपनी कार में मार्चिंग की, यानी कि मैं आगे बढ़ा उस डॉगी को, लिटिल डॉगी को लेके, उसको ब्लैंकेट में रैप करके। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, पूरे स्टाफ में मानो भूकंप आ गया है, राउज्ड हो गया, वो स्टेरअप हो गया, बहुत एक्टिव हो गया, एंड मेट्स रश्ड इन, और मेट्स जो हैं जितनी भी मेट थी घर में वो भागने लगी, इन एंड आउट, बाहर भाग रही हैं, अंदर भाग रही हैं, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उस पेट के लिए जो है उसके दिन का बेड लेके आ रही हैं, हिज नाइट बेड, उसके रात का बेड अलग से था वो लेके आ रही हैं, फेवरेट कुशंस, उसके छोटे छोटे फेवरेट पिल्लो थे उनको लेके आ रही हैं, टॉयस एंड रबर रिंग्स, उसके बहुत सारे टॉयस थे, रबर रिंग्स थी, सबको लेके आ रहे हैं सर्वेंट्स जो हैं, एंड ब्रेकफास्ट बाउल, उसकी ब्रेकफास्ट बाउल को, लंच बाउल को, सपर यानी कि रात के खाने की बाउल, हर एक के उसके मील जो हैं के अलग अलग बर्तन थे उन सबको लेके आ रही हैं। रियलाइजिंग डैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ कर ली थी कि इतना सारा स्टफ़, इतना सारा मटीरियल जो है उनकी कार में नहीं डाला जा सकता। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, अब इतना सब कुछ डालने के बाद कहते हैं कि मैंने ड्राइव करना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं वहाँ से चला, मिसिस पम्फ्रे विद अ डेस्पेयरिंग क्राई, मिसिस पम्फ्रे जो है बहुत ही डेस्पेयरिंग हॉपलेस क्राई से पीछे चिल्लाती हैं रुक आवाज़ लगाते हुए, थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कॉट से थ्रू द विंडो, अब कार की खिड़की में से भी वो क्या करती हैं, बहुत सारे कपड़े जो हैं, यस आर्म फुल ऑफ लिटिल कॉट्स, छोटे छोटे कॉट्स जो हैं वो आर्म फुल काफ़ी हाथों में भर के और खिड़की से डाल देती हैं कार के अंदर। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, कॉर्नर से मुड़ने से पहले ऑफ द ड्राइव, ड्राइव करते हुए, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, यानी कि हर कोई रो रहा था वहाँ पे उस पेट के लिए। वेल गाइज आउट ऑफ द रोड, और रोड पे जब मैं बाहर निकला, आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, मैंने ग्लैंस किया यानी कि उसको एक नज़र उठा के देखा, उसको पेट को, पैथेटिक बहुत ही बेचारा दयनीय एक लिटिल एनिमल, छोटा सा एनिमल गैस्पिंग कर रहा था, बहुत हार्डली क्या कर रहा था, सांस ले रहा था, और ऑन द सीट, सीट पे मेरी साइड में बैठा हुआ। आई पैटेड द हेड, उसके हेड को मैंने बहुत प्यार से पैट किया, उसको थपथपाया, एंट्री की मेड है ब्रेव एफर्ट टू वैग वैग हिज टेल, और ट्रिकी ने भी एक बहुत ही ब्रेव एफर्ट किया, यानी कि उसने बहुत, उसकी टंग तो उसकी सॉरी टेल तो उठ ही नहीं रही थी, लेकिन किसी तरीके से उसने अपनी टेल को, अपनी पूंछ को उठाया और उसको वैग किया यानी कि हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, हाय बेचारा पुअर बच्चा, आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन योर किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, कहते तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ, कोई एनर्जी नहीं है, हैवंट अ किक मीन्स नो एनर्जी, तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन आई थिंक मुझे पता है कि तुम्हारा क्योर कैसे करना है, क्या इलाज है तुम्हारा। वेल बेटे, जो इनिशियली थ्री क्वेश्चन गिवन थे उनके आंसर्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, नाउ फोर मोर क्वेश्चंस आर हियर, लेट अस रीड दीज, वी हैव टू फाइंड आउट दीज। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिक इज मिस्ट्रेस, हमने आगे ये जानना है स्टोरी में, क्या नैरेटर भी इतने ही रिच हैं जितने की ट्रिकी की मिस्ट्रेस हैं, क्वेश्चन नंबर वन। सेकंड, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वो डॉग को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे उसका इलाज करने वाले हैं। नेक्स्ट, वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट, ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के तौर पे क्यों रखना चाहते हैं, वो हमेशा क्यों रखना चाहते हैं मेहमान के तौर पे ट्रिकी को अपने पास। नेक्स्ट है, वाई डज मिसिस पेम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी,
आप भी मिसिस स्वम्फ्रे का ऐसा मानना क्यों है कि डॉग की जो रिकवरी थी, वो जो डॉग ठीक हुआ, वो सर्जरी की क्या थी, विक्ट्री थी, उसकी जीत थी, ऑपरेशन की जीत थी। वेल, लेट अस रीड फर्दर, आगे पढ़ते हैं एंड ट्राई टू नो द आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस। यस गाइस, एट द सर्जरी, अब जहाँ सर्जरी की जाती थी, यानी कि आप डॉक्टर साहब जो है कहाँ पहुँच चुके हैं, अपने हॉस्पिटल में, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड अराउंड में। हाउस होल्ड जितने भी घर में डॉग्स थे, वो सारे सर्च्ड का मीन्स, सर्च्ड मीन्स बहुत नज़दीक आ जाना, क्लोज आ जाना, सराउंड कर लेना, तो वो सारे मेरे आसपास चारों ओर आ जाते हैं। एंड ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक विथ डल आइज। तो ट्रिकी उनकी तरफ जो है वो इतना शोर मचा रहे होते हैं, तो डल अपनी डल डल सुस्त आइज से उनको देखता है। वैन पुट डाउन, जब उसको वहाँ लिटाया जाता है, रखा जाता है, ले मोशनलेस, कोई हलचल नहीं करता, आराम से लेट जाता है ऑन द कारपेट, कारपेट पे। द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्ते, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, जिस तरीके से डॉग्स की हैबिट होती है, वो स्निफिंग करते हैं, यानी कि ऑडिबल तरीके से जो एक एक्सेलेशन होता है बेटे, सूंघने की जो एक प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्निफिंग करना। आमतौर पर डॉगी करते हैं ऐसा, तो वो ऐसे ही करते हैं डॉग से, कुछ सेकंड्स के लिए उसके पास आके उसको सूंघते हैं, डिसाइडेड, और फिर डिसाइड करते हैं ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता उसमें, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लैप्ड। अब मैंने उसके लिए भी एक बेड तैयार किया, एक वार्म लूज सा एक बॉक्स था, यानी कि वो जो मिसेस पेम्फ्रे ने बेड दिए थे, उन बेड को यूज़ नहीं करते हैं डॉक्टर, तो क्या करते हैं, एक लूज सा, एक ढीला ढाला सा कोई बॉक्स था, और वार्म काफ़ी गर्म था वो, तो उसको तैयार किया इन्होंने सोने के लिए, उसके लिए, ट्रिकी के लिए। वेयर द अदर डॉग स्लैप्ड, जहाँ पे दूसरे डॉग्स जो हैं वो सोते थे। फॉर फ्यू टू डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन के लिए मैंने उस पर कंप्लीट आई रखी, वॉच किया उसको, गिविंग हिम नो फूड, उसको कोई खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, केवल पानी दिया खूब सारा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, सेकेंड डे के एंड पे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, तो उसने अपने आस पास थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, ही बिगैन टू विम्पर वैन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, तो वो थोड़ा सा विम्परिंग करना शुरू कर देता है। विम्पर मीन्स बहुत ही स्लो वॉइस से भौंकना है, बार्किंग करना, बहुत स्लो, धीरे धीरे वो आवाज़ निकलती है उसके मुंह से, जैसे वो डॉग्स को देखता है यार्ड में, आंगन में। वैन आई ओपन द डोर, जैसे मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी ट्रॉटिंग करता है, ट्रॉट करना मीन्स जैसे जॉगिंग करते हैं, यानी कि थोड़ा सा तेज़ गति से दौड़ता हुआ वो आता है, वॉक से थोड़ा सा तेज़ जब हम चलते हैं, डैट इज़ कॉल्ड ट्रॉटिंग। एंड वॉज इमिडिएटली एनकल्फ्ड बाय जो, और फिर जो है द ग्रे हाउंड, यहाँ पे एक ग्रे हाउंड है और जिसका नाम क्या है, जो, तो वो उसको एनगल्फ कर लेता है, उसके पास आ जाता है। ये बेटे आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो डॉग है इसको हम क्या कहते हैं, ये एक ब्रीड है डॉग की, इसको ग्रे हाउंड कॉल किया जाता है। यस, वो उसको एनसर्कल्ड कर लेता है, उसके चारों ओर आ जाता है, एनगल्फ कर लेता है जो। एंड हिज फ्रेंड्स, तो उसके फ्रेंड्स भी उसके आसपास आ जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉट यस थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, फिर उसको रोलिंग करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, फिर उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करते हैं। एंड डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन, फिर डॉग्स वहाँ क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं आगे गार्डन में। एंड ट्रिकी फॉलोड दैम, अब ट्रिकी भी क्या करता है, उनको फॉलो करता है, रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, सरप्लस एक्स्ट्रा फैट है उसकी बॉडी पे, लेकिन स्लाइटली धीरे धीरे वो रोल करता है, आगे बढ़ता है। लेटर डैट डे, उस दिन थोड़ा बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं वहीं प्रेजेंट था खाना खिलाने के टाइम पे। आई वॉस्ट वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इन टू द बॉल्स, जब मैंने देखा ट्रिस्टन, इट्स अ नेम ऑफ पर्सन हु माइट यूजली सर्व फूड देयर, ये खाना वहाँ सर्व करते होंगे, तो उन्होंने जैसे ही स्लॉप्ड किया, स्लॉप्ड क्या होता है बेटे, जब हम स्पिल करते हैं लिक्विड किसी भी चीज़ को, जब किसी और दूसरे बर्तन में उड़ेला जाता है, डैट इज़ कॉल्ड स्लॉप्ड। तो खाने को स्लॉप्ड करते हैं, ये डालते हैं उनकी बॉल्स के अंदर, अलग अलग सभी डॉग्स की। तो देर वॉज द यूजल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। अब जो है वहाँ पे एक यूजल जो एक आम जो होती थी हेड लॉन्ग, बहुत
तेज गति से भाग के आते थे जो वो रश करते थे, तो फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ उनकी हाई स्पीड जो है वो ईटिंग की, बहुत तेज़ गति से भाग के आना और फिर अपने खाने को खाना, तो इस तरीके की प्रैक्टिस होती थी, वो वैसे ही फॉलो करते हैं। एवरी डॉग न्यू डैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो हर एक डॉग को अच्छे तरीके से ये बात पता थी कि यदि वो पीछे रह जाते हैं, फेल बिहाइंड, यदि वो पीछे रह जाएंगे अदर्स दूसरों से, तो उनको कंपटीशन करना पड़ेगा लास्ट पार्ट के लिए खाने के, यानी कि उनको प्रॉपर खाना जो है पेट पर खाना शायद ना मिले, कंपटीशन करना पड़ता था उनको। तो ऐसे डॉग्स जो हैं वो क्या करते थे, भाग के आते थे। वेल व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब वो फिनिश कर लेते हैं, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल। आप शाइनिंग क्यों हैं, वो चमकती हुई बॉल्स क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने डॉगी जो उनको अच्छे से लिख कर लिया होता है, चाट लिया होता है। तो अब ट्रिकी आता है और वो क्राउंड वो वाउंड बॉल्स के आसपास घूमता है आप, लेकिन कैसुअली इन साइड वन और टू ऑफ देम, फिर उनको खाली है वो, फिर भी वो लिख करता है उनको एक या दो बॉल को। एंड नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एक एक्स्ट्रा बॉल अब उसके लिए रख दी गई है। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, और फिर मुझे प्लीज्ड, आई वॉज सो हैप्पी टू सी इट, मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि वो जोस्लिंग कर रहा था, यानी कि स्ट्रगल कर रहा था, एक दूसरे को पुश कर रहा था अपनी बॉल तक पहुँचने के लिए। एंड फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी प्रोग्रेस जो हो काफ़ी तेज़ हो गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, आप उसको कोई मेडिसिन जो है वो नहीं दी गई थी ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, पूरा दिन वो डॉग्स के साथ भागता था, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमिसिस, उनको फ्रेंडली, जिस तरीके से स्क्रिमिसिस क्या होता है बेटे, छोटी छोटी फाइट्स होती हैं, अब देखा होगा आपने अक्सर डॉग्स क्या करते हैं, एक दूसरे के खाने के लिए एक दूसरे के साथ जैसे झगड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्क्रिमिसिस, तो वो फ्रेंडली स्क्रिमिसिस होती हैं, तो वो उनको ज्वाइन करता था, ये एक दूसरे की तरफ गुर्राते थे, फाइटिंग करते थे। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, अब उसको इंजॉय करता था वो इस चीज़ को कि कैसे बॉल, एक दूसरे को बॉलिंग करना, एक दूसरे को छेड़ना, एक पुल करना, पुश करना, तो उस चीज़ को इंजॉय करने लगा। और ट्रैम्प्ड द गैंग, और फिर गैंग को ट्रैम्प्ड ऑन, थोड़ा सा तेज़ गति से अब भागना, एंड स्क्वैश्ड, यानी कि थोड़े से स्पोर्टिव चीज़ों में इंटरेस्ट लेना, एवरी फ्यू मिनट्स, हर एक कुछ एक मिनट्स के बाद, इस तरीके से वो जैसे ये डॉग्स जो हैं वो गेम में क्या करते हैं, इंडल्स होते, तो वो उनको फॉलो करता और उन सारे स्क्वैसेस को, यानी कि गेम वगैरह को वो क्या करता है, इंजॉय करता। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग, अब वो भी गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, अब सबने उसको स्वीकार कर लिया था। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, अब क्या था वो, अनलाइकली था, डिफरेंट था, सिल्की, बिल्कुल सिल्की, सॉफ्ट सॉफ्ट लिटिल ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, किसके बीच में, शैगी, शैगी क्या होता है, गंदा से, अनकैम्प्ड, बड़े बड़े, शैगी क्या होता है, लंबे लंबे बालों वाले और बड़े, अनकैम्प्ड मतलब अनक्लीन, भद्दे से, लंबे लंबे बालों वाले क्रू, यानी कि एक ग्रुप, वो बड़े बड़े बालों वाला एक ग्रुप था कुत्तों का, और उनके बीच में वो क्या था, एक छोटा सा सिल्की ऑब्जेक्ट था, बहुत स्वीट सा, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, तो वो फाइट करता था टाइगर की तरह अपने शेर के लिए मील टाइम में, जब खाने का वक्त होता था, या फिर वो रैट्स को भी हंट करता था ओल्ड हेन हाउस में रात को। और ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसने जो है इस तरीके का टाइम अपनी लाइफ में कभी इंजॉय नहीं किया था। ऑल द वाइल, और पूरे पूरे टाइम इस ड्यूरिंग जो है, मिसिस पम्फ्रे हॉवर्ड एंक्शियसली इन द बैकग्राउंड, मिसिस पम्फ्रे जो है वो हॉवरिंग करती रहती, घूमती रहती, राउंड लेती रहती, बहुत ही एंक्शियसली, बहुत ही उत्सुकता से, फियरफुली, और बैकग्राउंड में रहती थी वो, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, नई लेटेस्ट न्यूज़ के लिए वो लगातार दिन में दर्जनों फ़ोन करती, दर्जनों फ़ोन करती। आई डोज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग रन टर्नड रेगुलरली, यस, और हिज करेक्ट कोर्ट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल हर डैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली। क्या कहते हैं,
आई डोस्ट, ये क्या करते थे, इग्नोर कर देते थे. डोस्ट मीन्स बेटा अवॉइड करना, इग्नोर करना. द क्वेश्चंस अबाउट, जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे मिसिस पम्फ्रे के द्वारा डॉक्टर से, वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्नड, क्या उसके क्वेश्चंस को पिलोज को टर्न किया जा रहा है, अच्छे से उनको वॉश करके चेंज किया जा रहा है, टर्न किया जा रहा है, रेगुलरली किया जा रहा है या नहीं, या उसके करेक्ट कोट जो हों उसको पहनाए जा रहे हैं, सही सीजन पे सही कोट उसको वेदर के हिसाब से पहनाए जा रहे हैं या नहीं, या फिर बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उसको केवल इतना बता पाता कि जो आपका लिटिल फेलो है, लिटिल पेट जो है वो आउट ऑफ डेंजर है. और कन्वालेसिंग क्या होता है, रिकवरी पीरियड, अब वो रिकवर कर रहा है रैपिडली, बहुत तेज़ गति से. वेल द वर्ड, यस बेटे, द वर्ड कन्वालेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिस पम्फ्रे. अब जो ये वर्ड था कन्वालेसिंग मीन्स रिकवरी पीरियड, रिकवरी टाइम, ये ऐसा लगता था कि मानो वो मिसिस पम्फ्रे के अंदर यानी कि कुछ करता था, कुछ चेंज लेके आता था. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स. अब मिसिस पम्फ्रे को लगा कि उसका पेट जो है वो ठीक होने वाला है, तो उसने क्या किया, शुरू कर दिया लेके आना फ्रेश एग्स को, 2 dozen एट अ टाइम. एक बार में वो 2 दर्जन एग लेके आती हैं टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, कि अब वो ठीक होना शुरू हो गया है तो उसको हेल्दी बनाना है, ट्रिकी की स्ट्रेंथ के लिए, उसको ताकत के लिए, उसकी ताकत के लिए. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट. अब क्या करते हैं ये हमारे लिए, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि उनके लिए बहुत ही हैप्पी पीरियड था, उसके लिए और उसके पार्टनर्स के लिए. क्यों? क्योंकि सबको जो है 2 eggs मिलते थे ब्रेकफास्ट में. बट वैन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद फिर वाइन की बोतल भेजना शुरू कर देती है मिसिस पम्फ्रे. द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड. अब वाकई में घर में जो है उनके नई नई पॉसिबिलिटी, नई नई सिचुएशन जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं. इट वॉज़ टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. तो ये सब कुछ किस लिए भेजा जा रहा था, ताकि ट्रिकी का ब्लड जो है वो एनरिच हो जाए, वो थोड़ा सा सही हो जाए. एंड लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग मील. तो लंच जो है वो ऐसा लगने लग गया मानो कि वो ओकेजनल, या कोई एक खास मौके पे, कोई एक सेरेमनी होती है तो वो ऐसा हो गया उनके लिए कि वो ग्लासेस ऑफ वाइन लेते हैं, तो खाने से पहले लेते हैं, फिर सेवरल ड्यूरिंग द मील खाने के साथ लेते हैं, कि कोई एक खास ओकेजन पे खाना खा रहे हैं वो मानो अपने घर पे. तो इस तरीके से यस हो जाता है बेटे. यस आगे देखिए. वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रैंडी केम टू पुट अ फाइनल एस ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन. कहते वी कुड हार्डली बिलीव, अब तो हमें यकीन ही नहीं हुआ जब जब ब्रैंडी जो है वो आनी शुरू हो गई फाइनल एस. अभी फाइनल चीज़ थी जो ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली संविधान को कहते हैं जिसमें सेट ऑफ लॉज हैं. तो यहाँ का ये अब ट्रिकी के लिए लो बना दिया था मिसिस पम्फ्रे ने, कि अब उसको इम्प्रूव करने के लिए अब उन्होंने ब्रैंडी भी भेजना शुरू कर दिया. फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वॉज रोल्ड राउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रैंक. कहते कुछ रातों के लिए क्या हो गया, बड़ी अच्छी स्पिरिट जो है हमारी रोलिंग करती थी हमारे पास, इनहेल्ड, बड़ी अच्छी सांस आती थी हमें. क्यों? क्योंकि बहुत ही रेवरेंटली, बहुत ही रिस्पेक्टफुल ड्रिंक जो है ये लेते थे, ड्रंक करते थे अपने आप को. वेल देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो दिन जो है बहुत ही कंटेंट, संतुष्टि के दिन थे. स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत होती थी एक्स्ट्रा एग से, और इम्प्रूवड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन. और दिन जो है जैसे जैसे बढ़ता, इम्प्रूव होता, तो वो सस्टेन किसके द्वारा होता, मिड डे वाइन से. दोपहर को अच्छी वाइन मिलती थी. एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रैंडी. और दिन फिनिश कैसे होता था, लग्जरियसली, बहुत ही आराम से फायर के राउंड जो है ब्रैंडी पीते हुए. वाओ, किस तरीके से इनके बहुत ठाट हो चुके थे डॉक्टर के और उनके पार्टनर्स के, बहुत इंजॉय कर रहे थे अपनी मॉर्निंग को, अपने आफ्टरनून को, लंच टाइम को, और फिर नाइट को भी. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, ओन एज ए परमानेंट गेस्ट. तो ये वाकई में एक टेम्पटेशन था, लालच हो गया था उनको कि वो ट्रिकी को अब परमानेंट गेस्ट रख लें अपने यहाँ, ताकि इतनी सारी चीज़ें जो हम वो आती रहें. बट आई नो मिसिस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फॉर्टनाइट
felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन मुझे पता था कि मिसिस वेम्फ्रे सफ़र कर रही हैं और फिर आफ्टर फोर्टनाइट 15 डेज के बाद फेल्ट कम्पेल्ड. मुझे लगा कि मुझे फ़ोन करना चाहिए और बताना चाहिए मिसिस वेम्फ्रे को कि उनका छोटा सा डॉग जो है वो रिकवर हो चुका है और वो वेट कर रहा है कि उसको कलेक्ट कर लिया जाए, यानी कि वो यहाँ से उसको ले जाएं. विद इन मिनट्स, यानी कि कुछ एक मिनट लगी, मिनटों के हिसाब से अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी. तो इनकी सर्जरी इनके हॉस्पिटल के बाहर एक 30 फीट लंबी ग्लेमिंग चमकती हुई ब्लैक मेटल की कार जो है वो ड्रू अप आ खड़ी होती है इनके हॉस्पिटल के बाहर. वेल द शॉफर ओपन द डोर. शॉफर कौन होता है? ड्राइवर. जो पर्सनल गाड़ियाँ चलाते हैं उनको क्या कहते हैं बेटे? शॉफर. तो ये ड्राइवर जो हैं वो क्या करते हैं? डोर ओपन करते हैं. एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस वेम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. और कार का इंटीरियर इतना अच्छा होता है कि मिसिस वेम्फ्रे को केवल फिगर आउट किया जाता है बाहर से, केवल वो उनको थोड़ा सा बाहर से जज किया जाता है कि हाँ अंदर हैं कोई लेडी. एंड हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर. और उनके हैंड्स जो हैं बहुत ही टाइटली उसने एक दूसरे हाथों को बहुत ही टाइटली बांधा हुआ था. एंड हर लिप्स ट्रिम्बल्ड. और उनके होठ जो वो क्या कर रहे थे? कांप रहे थे. वेल ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज़ ही रियली बेटर? क्या पूछती हैं कि मिस्टर हैरियट आप मुझे बताइए, सच बताइए, क्या वाकई में वो अच्छा है, आप मेरा पेट ट्रिकी अच्छा है? यस ही इज़ फाइन. हाँ वो बिल्कुल सही है. देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. कोई ज़रूरत नहीं है आपकी कार से बाहर निकलने की. आई विल गो एंड फैच हिम. मैं जाता हूँ और उसे ले आता हूँ. आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन. मैं घर से अंदर घुस के गार्डन में गया. अ मास ऑफ डॉग्स was hurtling round and round the lawn and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. तो कहते हैं कि मास काफ़ी सारे डॉग्स जो हों वो हर्टलिंग कर रहे होते हैं, यानी कि वो बहुत तेज़ इधर उधर घूम रहे होते हैं, राउंड एंड राउंड लॉन में चक्कर काट रहे होते हैं. और उनके बीच में midst यानी कि बीच में between ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को अप एंड डाउन करते हुए फ्लैपिंग करते हुए फड़फड़ाते हुए, टेल को वेव करते हुए हिलाते हुए, अपनी पूंछ को हिलाते हुए, एक छोटा सा गोल्डन फिगर था ट्रिकी, वो उन्हीं के बीच था. इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ लाइट. तो 2 वीक में वो चेंज हो चुका था. ट्रांसफॉर्म्ड होता है कम्प्लीटली चेंज्ड इन टू अ लाइट. लाइट में वो चेंज हो चुका था. लाइट क्या होता है बेटे? थोड़ा सा एक्टिव होना, काम शांत होना, लेकिन एक्टिव होना. हार्ड मसल्ड एनिमल, उसकी मसल्स भी जो है क्या है, हार्ड हो गई थी. अब वो ब्लॉटेड सोसेज नहीं रहा था. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक. पैक मीन्स अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स. अब वो उन सभी एनिमल्स के साथ क्या कर रहा था? वेल से, बहुत अच्छे से कीप अप कर रहा था, बहुत अच्छे से उनके साथ इंजॉय करता था, खेलता था. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, वो भी बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को क्या कर पाता था? स्ट्रेच कर पाता था. ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. और उसकी चेस्ट जो है ऐसा लगता था मानो पूरे ग्राउंड को ब्रश करती है, यानी कि अब वो खूब खेलता था ग्राउंड में. आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. अब मैं वहाँ अंदर से जो है पूरे रास्ते से उसको लेके आते हुए घर के बाहर आता हूँ. द शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन. अब जो शॉफर था, जो ड्राइवर था, अभी भी कार का दरवाज़ा जो है वो उसने ओपन किया हुआ था. वैन ट्रिकी सो, और जैसे ही ट्रिकी जो है देखता है, किसको देखता है? हिज मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस को देखता है. ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इन टू मिसिस वेम्फ्रेज लैप. वो भाग के जा मेरी आर्म्स, मेरे हाथों में से भाग के निकलता है विद अ ट्रिमेंडस लीप. बहुत ही एक शानदार लीप, एक उछाल जो है वो लेता है, मेरे हाथों में से उछल के निकलता है और सीधा सेल डायरेक्ट जो है किसके हैंड्स में चला जाता है? मिसिस वेम्फ्रे की लैप में, मिसिस वेम्फ्रे की गोद में चला जाता है. शी गेव अ स्टार्टल्ड. तो उसको देख के एक अचान हैरानी से जो है उसके मुंह से क्या निकलता है? ओ एंड देन हैड टू डिफेंड
हरसेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर। फिर उसे ऐसे बोल के अपने पपी को देखे, ओ, और फिर क्या हो जाती है, उसको अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है, बचाना पड़ता है, क्योंकि वो उसके ऊपर क्या करता है बेटे, स्वार्म्ड कर जाता है, यानी कि उसके ऊपर टूट पड़ता है। जैसे स्वार्म क्या होता है, ये बीस का एक ग्रुप होता है, मधुमक्खियों का एक झुंड होता है, तो आप देखते हैं तो वो किस तरीके से टूट पड़ती हैं, तो ऐसे ही वो यानी कि बहुत स्पीड से वो उसकी लैप में जो है उछल के कूद के जो है जंप करके उसकी लैप में जाता है, उनकी लैप में जाता है। वेल लिकिंग हर फेस, उसके चेहरे को क्या करता है, लिक करता है, चाटता है, एंड बार्किंग और भौंकता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, उस एक्साइटमेंट में आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बैट्स, टॉयज, कुशंस, कॉट्स एंड बॉल्स, एंड नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। अब कहते हैं कि फिर मैंने शॉफर को हेल्प किया कि वो उसके साथ जाके उसको उसके बैट्स, उसके टॉयज, उसके कुशंस, उसके कॉट्स, उसकी बॉल्स, सब कुछ वापसी लौटाया, और जो कि कुछ भी उसमें से जो है यूज़ नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार वहाँ से मूव करती है, जाती है, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पम्फ्रे विंडो से थोड़ा सा नीचे बाहर की तरफ निकलते हुए झुक के देखती हैं। टीयर्स शॉन इन हर आइज, उसकी आंखों में अभी भी टीयर्स थे। हर लिप्स जो ट्रिम्बल्ड, उनके लिप्स जो हैं वो ट्रिम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो क्या चिल्लाती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूँ, एंड दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये वाकई में सर्जरी की जीत है, यानी कि जो आपने ऑपरेशन किया ये उसकी जीत है। वेल गाइज, हियर, यस, योर लेसन एंड्स हियर। दीज आर आर ग्लॉसरी, ग्लॉसरी मीन्स वर्ड मीनिंग बेटे, ये वर्ड मीनिंग है हमारे, मैंने डिटेल में आप लोगों को वर्ड मीनिंग जो है बताए हैं, ये भी इसके अलावा भी काफ़ी सारे वर्ड्स मीनिंग जो हो वो बताए हैं। यू हैव टू नोट डाउन ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर कॉपी एंड रिमेंबर दीज, इनको याद भी करना है आपने, और क्वेश्चंस जो हैं हम ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन, एंड डू नॉट फॉरगेट, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। बहुत मेहनत करनी है आप लोगों ने, अच्छे मार्क्स लेने हैं, बोर्ड की क्लास है। वेल गाइज, हैव अ नाइस टाइम।